एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। याद रखना, ये विश्व हिंदी दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं कहूँगा 14 सितंबर है, लेकिन आज के दिन वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, कमेंट में सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछ लेता हूं कि विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के समय हुई? चलो, वो तो इंदिरा गांधी के समय हुई थी, पर आप मुझे साल बताइएगा, कौन से साल से हुई थी ये जरूर बताइए। आपके लिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उसको पढ़ाऊं? खैर, उससे पहले कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब भी बताता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित कैलाशनाथ मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, जो चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था। कोरंगनाथ मंदिर श्री निवास नल्लूर में है, जो प्रांतक चोल ने बनाया था। और कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनाया। और चौथा ऑप्शन था इसका एरावतेश्वर मंदिर दरसुराम में है, जो कि राजा राज चोल द्वितीय ने बनवाया था। काफ़ी अच्छा वाला सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं ये नाम, पर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों के लिए अपडेटेड न्यूज़ ये है कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवारों के विवरण को अपडेट करने के लिए जिला, खंड और गांव स्तर पर विशेष कैंप लगाने और 25 जनवरी तक उनको अपडेट काम पूरा करने के हाल ही में सीएम साहब ने इसके निर्देश दिए हैं। और कोई भी रिलेटेड जानकारी है या कोई PPP से रिलेटेड कोई जो है ना आपको अपडेट चाहिए तो उसके लिए एक टॉल फ्री नंबर भी हरियाणा में अप्लाइड है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये हर महीने की 9 तारीख, 10 तारीख और 23 तारीख को जो है ना हरियाणा के चुनिंदा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में चलाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9 तारीख वाला पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने स्लाइड को लगाया है अभी के लिए। इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिला है, इनको दी जाने वाली कुछ फ्री सुविधाएँ होती है, जैसे डॉक्टर के द्वारा जाँच, सरकारी हो या प्राइवेट हो। इसके अलावा उच्च जोखिमपूर्ण गर्भस्थ महिला है, उनको विशेषज्ञों की जांच है, खून की कमी है उसके संबंधित अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, खून की कमी को पूरा करने के लिए टीके हैं, दवाइयों द्वारा इलाज है या कुछ जरूरी नेसेसरी मेडिसिंस है। सरकारी अस्पताल में डायल 108 एम्बुलेंस सुविधा है, वो भी बिल्कुल फ्री है लाने ले जाने के लिए। अच्छा, पोषण परिवार नियोजन बर्थ जो पेपर इंडेस परामर्श होते हैं वो सब कुछ जो है ना फ्री में दिए जाते हैं। इसके अलावा आयरन के टेबलेट है, एनीमिया मुक्त हरियाणा करने के लिए भी कुछ परामर्श दिए जाते हैं और हीमोग्लोबिन की फ्री जांच भी की जाती है यहाँ पे। तो ये हर महीने के 9 तारीख, 10 तारीख और 23 तारीख जो है ना फिक्स रखी है हरियाणा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के चलते। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने BPL आय के मानदंड को बदल दिया है? तो BPL इनकम क्राइटेरिया को बदलने वाला हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य बना है। ये पहले इनकम क्राइटेरिया 1,20,000 का होता था, लेकिन अब ये क्राइटेरिया 1,80,000 का हो गया है और ये संख्या बढ़ के 29 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। मैंने अभी आपको बताया था 30 लाख समथिंग ये संख्या हो चुकी है रिसेंटली ये। और इसके अलावा आपको ये तो खैर पता ही है, 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष मना ही रहे हैं हम लोग। अंत्योदय उन्हीं को ही बोलते हैं जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 तक है या इससे कम है, ठीक है। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जी ने, आरोग्य की बात करता हूं तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने डिडक्टिव टीम का गठन किया है। ये बेसिकली क्या है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 घंटे दी जाने वाली सेवाओं के निरीक्षण के लिए ही डिडक्टिव टीम का जो है ना वो गठन किया है। अभी मान लेते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई काम है, वो 24 घंटे उनकी टीम की तरफ से दिया जाता है, लेकिन उनको चेक करना क्या वो 24/7 आवर्स काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके लिए डिडक्टिव टीम का जो है ना अभी हाल ही में गठन किया गया है। वर्ल्ड एथलीट्स द्वारा जारी सूची के अनुसार साल 2022 में किस खिलाड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है? तो वर्ल्ड एथलीट्स के द्वारा जारी लिस्ट में साल 2022 में नीरज चोपड़ा के बारे में जो है ना वो सबसे ज़्यादा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। ग्लोबल इंटरेस्ट चार्ट में ये बात सामने आई है इनकी, उसेन बॉल्ट को पीछे छोड़ के नीरज चोपड़ा जो है ना इनकी खबर सबसे ज़्यादा है, इनके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। विश्व एथलीट्स ने नीरज चोपड़ा के संबंध में कहा है कि 2022 में भारतीय जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने करिश्माई बोल्ट की जगह ली है।
उसेन बोल्ट 2017 में 100 मीटर और 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना वो ले चुके हैं। और इसके अलावा जो है ना इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो भारतीय स्टार प्लेयर नीरज चोपड़ा पर 812 आर्टिकल लिखे गए हैं। दूसरे स्थान पर जमैका की एथलीट्स एलन रहे हैं, एलन थॉम्पसन हेरा, जिन पे 751 आर्टिकल लिखे गए हैं। और तीसरे स्थान पर मौजूद शैली एन फ्रेजर पर 698 आर्टिकल लिखे गए हैं। और उसेन बोल्ट की बात करें तो उन पे केवल 574 आर्टिकल ही लिखे गए हैं। खैर एक वक्त होता है जब इंसान टॉप पे रहता है, तो कहते हैं ना कि इंसान को कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर ये पीक है तो ये नीचे भी आएगा ग्राफ और ऊपर भी जाएगा, तो ये चीज़ें चलती रहेगी, एनालॉग वेव ज़िंदगी में चलती रहेगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि थोड़ी अपने आप को जो है ना, यहाँ अगर आ जाओ तो बहुत ज़्यादा अभिमान ना करो और यहाँ आ जाओ तो बहुत ज़्यादा निराश ना हो जाओ। कहा जाता है ज़िंदगी ना दो ही दिन की है, एक दिन ऐसा होगा इसके अंदर आप लोगों का जो आपका यूं कहिएगा कि आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगा इस वाली जगह पे, यहाँ अगर आ जाओ तो बस घमंड मत करना। और दूसरा दिन हो सकता है कभी निराशा का आएगा, वो यहाँ वाला हो सकता है, तो इसमें आ जाओ तो बहुत ही ज़्यादा डाउन मत हो जाना। कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं आपके जैसे ही जो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि शायद हरियाणा का ही लड़का था, बाल झड़ रहे थे और इसके करके उसने सुसाइड कर लिया। तो खैर ऐसे कदम या ऐसी बेवकूफियां तो ना ही करें आप कभी। हताश हो सकते हो, ज़िंदगी में दुख आते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं आते। हर किसी के लाइफ में रोना भी आता है, आप हो, मैं हो, कोई भी इंसान हो चाहे। लेकिन थोड़ा सा बड़े महापुरुष या अपने साथियों की सलाह मान के कि अगर ये दिन आया था तो ये भी है, अगर ये आया है तो ये पक्का आएगा दिन, ठीक है ना। तो इस उतार चढ़ाव में लगे रहिए, आप लोग मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। कोशिश करिए कि हमेशा निरंतर बने रहें, एक जैसे रहें। 18वीं नेशनल आइस स्केटिंग में किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो 18वीं आइस स्केटिंग में हरियाणा राज्य ने जो है ना पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम के अंदर ये अभी हाल ही में हुई थी, एम्बियंस मॉल के अंदर आइस स्केट रिंग में 18वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ था। इसमें ओवरऑल चैंपियन हरियाणा रहा, तेलंगाना इसमें दूसरे स्थान पर रहा, महाराष्ट्र और दिल्ली जो है ना वो आपके इसके बाद के स्थान पर रहे हैं, ठीक है ना। और 22 राज्यों के 300 स्केटर्स ने इसमें हिस्सा लिया था, लाइक तेलंगाना है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, कश्मीर, लद्दाख हुआ, हिमाचल, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ऐसे समेत टोटल 22 राज्यों के 300 आइस स्केटर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। गणतंत्र दिवस परेड में कितने राज्यों की झांकी दिखेगी? गणतंत्र दिवस की परेड में जो है ना भारत के 16 राज्यों की इस बार झांकी दिखेगी। हरियाणा इसमें शामिल है, याद रखना, पहले हरियाणा शामिल नहीं हो रहा था लेकिन अभी शामिल हो रहा है। लास्ट टाइम हरियाणा जो है ना 2017 में शामिल हुआ था, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम थी, फिर शामिल हुआ 2022 में, तब हरियाणा के लिए थीम जो रखी गई थी, 5 सालों का गैप आ गया तकरीबन, और इसमें थीम रखी थी खेलों में नंबर वन हरियाणा। अब 2023 में हरियाणा शामिल हो रहा है, थीम तो अभी खैर डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन जब भी फाइनल होगा तब आपको जरूर पढ़ाया जाएगा, पर 2023 में हरियाणा शामिल हो रहा है। आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, अरुणाचल, हरियाणा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और इसके अलावा त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश की झांकी इस बार दिखाई जाएगी इस कर्तव्य पथ पे। ये राजपथ पहले होता था लेकिन 8 सितंबर को जो है ना इसका नाम बदल के कर दिया, कर्तव्य पथ कर दिया, तो ये कर्तव्य पथ हो गया है वर्तमान में। ये दिल्ली का आपका गेट है, इंडिया गेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार ऐसे ऐसे राज्य इसमें शामिल होने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। और हाँ एक बात और है, पिछले बार कितने राज्य शामिल हुए थे? पिछली बार 12 राज्य इसमें शामिल हुए थे, यूपी टॉप पे था पिछली बार, ठीक है। अच्छा आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 2023? तो इसका सही आंसर रहेगा, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी टू बी चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2023, ठीक है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में i3 लॉन्चपैड किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में i3 लॉन्चपैड को लॉन्च किया है इंडिया एक्सेलेटर ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, इंडिया एक्सेलेटर जॉइंट्स हैंड विद ICICI, ठीक है ना, ICICI बैंक एंड इन्फोसिस फाइनेंस फिनेकल्स टू प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम। इन्होंने ICICI बैंक और इन्फोसिस फिनेकल के साथ मिलकर जो भारत के स्टार्टअप है उन स्टार्टअप तंत्र को बढ़ावा
बढ़ावा देने के लिए इनके साथ में हाथ मिलाया है। बस इसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप देना, उनको रिसोर्सेज देना, उनको उनका जो आपका कहिएगा जो स्टार्टिंग वे है उनको और बढ़ाना। इससे इंडिया का जो है ना तकरीबन यूँ कहिएगा अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम अपने आप ऊपर जाएगा। क्या इंडिया एक्सीलेटर है, इसका हेडक्वार्टर अपने हरियाणा गुरुग्राम में है। इसके संस्थापक और MD का नाम आशीष भाटिया है और स्थापना इसकी 2017 के अंदर हुई थी आपकी, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सेशन आपका वाइंड अप करता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्या है ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका। दस्त ए मार्गो, जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है, ये किस देश में स्थित है। दस्त ए मार्गो, जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है, ये कौन से देश में है। कजाकिस्तान में है, सऊदी अरब में है, अफगानिस्तान में है या चाइना में है। दस्त ए मार्गो, जिसे मृत्यु का मरुस्थल कहते हैं, विस्तार से बताना इन सभी देशों के बारे में। और एक कजाकिस्तान की कैपिटल से रिलेटेड भी करंट अफेयर है, वो भी आप मुझे बता सकते हो तो बताना। थैंक यू सो मच।